आप सभी होपफुली बहुत ही बढ़िया होंगे और आज के दिन की शुरुआत है ना यहाँ पे हूँ यार। आपकी शुरुआत में से जहाँ से करनी है जेसी वाईएमसी और जेसी बोस यूनिवर्सिटी का मेन आप सभी होपफुली बहुत ही बढ़िया होंगे और आज के दिन की शुरुआत है ना आप बहुत ही स्पेशली करना। देखिए सब मेरे से सचिन ने भी बताई और मैं भी सोच रहा था कि जो हॉस्टल है ना हॉस्टल के ऊपर व्लॉग बनाऊं। जेसी बोस यूनिवर्सिटी का जो हॉस्टल है उसके ऊपर बनाना जरूरी है, तो गर्ल्स हॉस्टल तो कवर करने वाला नहीं हूँ, बॉयज हॉस्टल कवर करने वाला और आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ कौन सी जगह कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से बॉयज हॉस्टल स्टार्ट होता है। इस व्लॉग के साथ में सब कुछ आपको बताने वाला हूँ कवर। मेरे साथ में जुड़े हुए हैं फिलहाल, अगर मैं बताऊँ कैमरामैन जिसका फोन यूज हो रहा है वो है नितिन, उसके साथ में सचिन है मेरे साथ में, ये थोड़ी देर बाद दिखा देगा, उसके साथ में राजन है और मैं खुद तो हूँ ही आपके साथ में। तो चलो आज का यहाँ से मेनली अभी कंपाउंड के अंदर हूँ पर शुरुआत हम लोग बाहर से करेंगे, आपको दिखाने वहीं से वाला हूँ। ठीक है तो चलिए चलते हैं बाहर से शुरुआत करते हैं। तो जो कि अभी मुझे मैं अच्छे अच्छे आपको चेहरे दिखाने हैं, तो मेरे सामने प्यारे प्यारे चेहरे हैं। सबसे पहले राजन जो आपको सामने शो हो रहा है, उसके साथ में सचिन है और क्रिकेटर भाई हाय बोल दे यार तेरे को, ठीक है। और इधर नितिन है जो कैमरा मैन है, उसके साथ में कुछ शब्द बोलना चाहेगा, इतने शब्द ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं और यही कैमरे के साथ में फोन इसी का है, तो कवर करते हैं बाहर से शुरुआत करेंगे। अभी पीछे आपको दिख भी रहे होंगे यहाँ से होल वगैरह, वो अभी आपको नहीं दिखाने, स्पेशली बाहर से स्टार्ट करके सब कुछ दिखाने वाले। तो फिलहाल मैं जहाँ पे हूँ यार आपकी शुरुआत में से जहाँ से करनी है जेसी वाईएमसी और जेसी बोस यूनिवर्सिटी का मेन गेट है, वहां से अभी मैं शुरुआत करने वाला हूँ ब्लॉक की। और मेनली यहाँ से आपको रास्ता जो चलते चलते रास्ता है ना वो भी आपको दिखाने वाला हूँ और बहुत फायदा है यार। देखिए बाहर से आवाज ज्यादा डिटेक्ट हो रही होगी, उसकी वजह से थोड़ी नॉइज प्रॉब्लम आ रही होगी, पर कोई बात नहीं है, आप अंदर से दिखाएंगे ज्यादा, ताकि बाहर से दिखाएंगे तो आपको नॉइज में सुन भी नहीं रही होगी मेरी आवाज, पर क्लियर आवाज आ रही होगी क्योंकि हमारे पास में माइक है, प्रमोशन वगैरह हम करके आ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है नितिन अंदर चल रहे हैं, वो भी साथ में रिकॉर्ड करना है मेरे, चल दिस इज देन। जो आपको सबसे पहले शो रहा है ये सामने आपको जो यहाँ से मेन गेट है वो बेस्ट लुक यार नजर आ रहा है, उसके साथ में यहाँ पे एनसीसी भी है, पर हम लोगों को नहीं मिलते, बीओ वालों को, इन बीएससी वालों को मिलती है, पर ये इसका फायदा नहीं उठा पाते, मैं तो उठा चुका हूँ ऑलरेडी। फायदा उठा रहा तू, ठीक है, तो कोई भी अच्छा खासा फायदा उठाई हो, तेरे से बढ़िया बेटर एक्सेप्टेशन है मेरी, ठीक है। इंग्लिश भी सीख रहा हूँ, वैसे धीरे धीरे बोल रहा हूँ आज, ठीक है। तो चल आप चलने दे इसको डायरेक्टली। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. तो देखो अभी है ना यहाँ पे मेन गेट है, लेकिन मेन गेट दिखाने से पहले एक बार बता देता हूँ आपको, इधर है ना इधर जो शो रहा है आपको उधर दिखाई, ये ग्राउंड है यहाँ पे, और लेकिन हमें इसके जस्ट सामने बॉयज हॉस्टल है जिसके ऊपर हमें आज फोकस करना और वही दिखाना है, तो उसकी वीडियो अभी यहाँ से स्टार्ट होगी जस्ट। और ये हमारे हॉस्टल के कुछ जानी मानी हस्तियाँ हैं, इनकी तरफ से हाय वगैरह, ठीक है। हाँ हाँ बालों में हाथ मार के हाय वगैरह है, कर दिया ऑन ऑन कर दिया, सब्सक्राइब कर देना चैनल को इसके भाई को, और हमने कर दिया है तुम भी कर दे, सुन रहे हो ना, सुन रहे हो, ठोक दो पिक दो जो करना है कर दे, वो हमारा निश्चय है। एक बार कोई नहीं वो क्या देखता, ठीक है भाई, बस हाँ बस ऊपर कर दे, हो गया, हाँ ठीक है। एक बार है ना आपको ये चीज भी बता देता हूँ, तो ये जो ऑफिस सामने शो रहा है आपको ये चीफ वार्डन सर का ऑफिस है, तो यहाँ से अगर कोई डिटेल वगैरह या आप नए आए हो, सीधी बात है नए लोग ज्यादा देखेंगे तो सीधे आके यहाँ पे बात भी कर सकते हो सर से। उसके साथ में सामने मैं आपको शो कर चुका हूँ, ये है बॉयज हॉस्टल का मेन गेट, ठीक है, यहाँ से आपको सब कुछ बताने वाले हैं।
chains. I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stop, never change. All the squad on the play, and I got something to say. I work hard each and every day. I get lost in the day. मेनली चारों तरफ मेरे होल वाइज सारे होल हैं, थोड़ी देर बाद दिखाई हूँ। इसके साथ में एक और चीज़ है, इस ब्लॉग के अंदर जो लोग मजाक वगैरह करते हैं वो नॉर्मली कम करेंगे, उसके साथ में आपको जो जानकारी देना है वो ज़्यादा देंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो एक बार दिखा देते हैं मॉडल करके, देख रहे हैं up again. अभी है ना, मैं आप सभी को एक एक होल बताऊंगा, फिर उसके बाद में जब मैच शुरू होगी तो मैच भी दिखाऊंगा, उससे पहले भी एक बार मैच दिखाऊंगा। तो सबसे पहले अभी मैं बताने वाला हूँ, सबसे पहले जो मेरे सामने वाला नेहरू होल है और इसके रूम वगैरह जो आपको दिखाना है वो भी अंदर जाके दिखाएंगे। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस बाहर से करा देता हूँ, उसके बाद में इधर आपको सामने शो हो रहा है वो जाकिर है, जाकिर होल है, आपको नितिन दिखा देगा। उसके पीछे जस्ट उसके पीछे है ना सीवी रमन होल है, जो अभी काम कर रहे हैं ना, तो ये तीन ही होल है। In the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up. Last time अभी हमने यहाँ पे ब्लॉग को हमें यहाँ से छोड़ा था, जो लास्ट वीडियो हमारी यहीं से एंडिंग हुई थी। अब रात के यहाँ से 8 बज चुके हैं, और अगर मैच के बारे में बात करूँ तो अभी 7:30 बजे मैच शुरू हो जाती है और 1-1.5 घंटे मैच चलते हैं उसके साथ में। उसके बाद में सुबह मॉर्निंग का टाइम 8 बजे होता है और दोपहर का टाइम लगभग 12:30 के बाद में मैच शुरू हो जाती है। तो ये टाइमिंग रहता है, इसके आसपास ही मैच ऑन होती है। तो अभी जब मैच ऑन है तो मैं चाह रहा हूँ कि साथ में आपको वीडियो में दिखा दूँ कि मैच भी ऑन है। तो अभी यहाँ से सबसे पहले जो मैच चल रही है ना यहाँ पे है, चारों तरफ है, जो तीन चारों होल में है, लेकिन जो मैच अभी यहाँ पे चालू है एक ही होल में है, नेहरू होल में, यहीं पर मैच चलती रहती है कंटिन्यू। तो अपना कोई मकसद है किसी को यहाँ पे ये नहीं बताना खाने के अंदर क्या कमी है, कमी वगैरह आप उन्हें को नहीं दिखानी, आपको नॉर्मली बताना है कि कहाँ पे क्या चीज़ चल रही है, यही चीज़ आपको दिखाना जरूरी। तो अभी यही दिखा रहा हूँ, नेहरू हॉल के अंदर मैच चल रही है और अंदर से दिखाने वाला हूँ मैच कैसी है हमारी। देखो यहाँ पे खाना वगैरह खाते हैं यहाँ पे बैठकर खाने के लिए, और ये रसोई है जहाँ पे खाना बनता है, और ये कन्हैया जिसकी हेल्प से कई बार मेरा क्या होता है, कई बार एक्स्ट्रा कोई चीज़ सामान मिल जाता है, ठीक है ना यहाँ पे। तो भाई नेक्स्ट टाइम कभी हमें ये इंटरव्यू नहीं देगा, ठीक है ना, कोई वो बताएगा नहीं यार, कोई शर्माता है कैमरे से, अपन तो शर्माते नहीं है। अभी क्या ये मैच वगैरह दिखा दी, अब चलते हैं। एक चीज़ और है, जब भी आओ ना मैच के अंदर तो कन्हैया को पटा लेना अगर कुछ खाना एक्स्ट्रा वगैरह खाना हो तो, ठीक है ना। तो अभी रूम वगैरह दिखा देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अभी वीडियो के अंदर थोड़ी सी क्लिप आपको दिखा देता हूं, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि मेरे हॉस्टल के कुछ बच्चों ने एक यहाँ पे कारोबार किया है, छोटा सा कारोबार कर रहे हैं वो लोग। क्या कर रहे हैं यहाँ से, मतलब पानी का दस्ता कि उन्होंने रेडी वगैरह लगाई, जिसके अंदर किसी को कारोबार, उसे मतलब रोजगार दिया, सॉरी कारोबार नहीं रोजगार दिया है, ठीक है। तो वो चीज़ है, रोजगार उन्होंने दिया अपने बलबूतों के ऊपर, तो आप वीडियो के थ्रू वो भी देख लें। और जो यार सही चीज़ है वो चीज़ सही कर रहे हैं, थोड़ा अपना मतलब पैसा पॉकेट मनी निकल जाती है उससे, तो उन्होंने ऐसा कुछ सोचा होगा, ऐसा प्लान करके उन्होंने ये शुरुआत स्टार्टअप किया है। तो आप एक बार जब भी यूनिवर्सिटी के अंदर आए तो आपको सामने देखने को मिल जाए उनकी पानी पतासे की रेडी, तो जाएँ कुछ खा पी लें मौज मस्ती से, अंदर आने से पहले कुछ अगर ठंडा हो जाए, मतलब ठंडा पानी के साथ साथ में कुछ खाने का भी हो जाए जुगाड़, तो बहुत ही बढ़िया बात है। जाइए खाइए पिए मौज मस्ती कीजिए, और इस यूनिवर्सिटी के अंदर बेस्ट, मैं कहूँगा ऑल ओवर सब कुछ बेस्ट है यार,
हॉस्टल देखिए अभी बहुत साल से पुराने हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बोला था कि मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगा जो मेरे यहाँ से फर्स्ट ईयर होने के साथ साथ में जो मेरे हॉस्टल के बच्चे हैं उन्होंने एक शॉप खोलने के साथ साथ में और एक जो युवा साथी को भी एक रोज़गार दिया है, तो एक बहुत ही बढ़िया बात है, एक बढ़िया शुरुआत है इनकी। और फर्स्ट ईयर में होने के साथ साथ एक बढ़िया शुरुआत होने के साथ साथ में मैं चाहता था कि मेरे ब्लॉग के अंदर भी दिखाऊँ, तो स्टार्टअप में भी आपको दिखा रहा हूँ और उसके बाद में आपको कम्प्लीटली शॉप भी दिखाऊँगा जहाँ पर है मेरी मेन जो यूनिवर्सिटी है ना उसके साथ में ही। ठीक है, तो अभी दिखाने वाला हूँ उसके ऊपर जो बच्चे जिन्होंने ओपन की है मेरे दोस्तों ने उनको भी दिखाने वाला हूँ अभी। तो यहाँ पे बना रहा था और मैंने हॉस्टल का व्लॉग यहाँ पे छोड़ा था और फोन भी अलग था मेरे पास में, माइक वगैरह था, पर अभी मेरे वाले फोन से एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि नितिन का फोन मेरे पास में है। तो अभी मैं यहाँ से आ चुका हूँ और मैं यहाँ से अंदर एंट्री कर चुका हूँ, मेरे वाले हॉल के अंदर ही आपको सब कुछ अंदर से दिखाने वाला हूँ। तो वन बाई वन आपको मैं इशारे में बताता रहूँगा कौन सी जगह कहाँ पे है, तो चलो चलते हैं वहीं से, वैसे बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे एंट्री करोगे चीफ वार्डन सर का यहाँ पे रूम है और इसके साथ में आपको यहाँ पे वचन भी देखने को मिले, थॉट्स मिलेंगे, आप पढ़ सकते हो। ये वो चीफ वार्डन वार्डन सर का है, ओपी मिश्रा जी का ये रूम है और यहाँ के उसके साथ में जस्ट ये अलग से रूम वगैरह भी है और ये वॉशरूम है और ये गीजर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा उसके साथ में, ये वॉशरूम वगैरह है और सामने आपको शीशा देखने को मिल रहा है, मिरर उसके अंदर है, उसके और साइड में ये वॉशरूम वगैरह है। आपको इतना ज़्यादा इसके अंदर क्या दिखाऊंगा, देखिए ये जो गीजर है ना हर जगह आपको अवेलेबल मिल जाएगी यहाँ पे। जैसे ये होल वाइज है ना, होल को दो टाइप में बांट रखा है, एक इधर से एक इधर से, तो वैसे ही आपको देखने को मिल जाएगा। ये मेरा रूम है, मेरा रूम 107 रूम नंबर है और इसके अंदर मैं बार बार कई बार ब्लॉग के अंदर वीडियो डालता भी रहता हूँ। ये मेरा रूम है और इसके अंदर देखिए जनरली मुझे क्या चीज़ मिली थी, रूममेट से सबसे पहले सचिन और उसके साथ में देखो एक और चीज़ बताऊँ ना, यहाँ पे मुझे ये गद्दे वगैरह नहीं मिले थे, मुझे एक तो फ़ैन मिला था ऊपर और उसके साथ में मुझे ये जो दराज मिले थे, आपको तीन दराज मिलेंगे यहाँ पे और ना कोई ताला वगैरह मिलेगा इनका, ये सब कुछ यहाँ पे आपको खाली देखने को मिलेंगे, बिल्कुल खाली रहेंगे आपके ये तीनों खाली रहेंगे, इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। और ये तीनों जो स्लैब है ये भी आपको अलग से खाली देखने को मिलेगी, इसके ऊपर कुछ नहीं है, जो मैंने सामान सेट कर रखा है वो ये अलग से आपको नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे बेड देखने को मिलेगा, जो जनरली मुझे वहाँ पे बेड तीन देखने को मिले, एक वहाँ पे मिला था, एक इधर मिला था और एक इधर इधर था, यहाँ पे था, तीन आपको बेड देखने को मिलेंगे, वो खाली रहेंगे, उनके ऊपर कुछ भी नहीं होगा, आपको खुद एडजस्ट करना, उसके ऊपर सामान वगैरह आपको खुद रखना है। और पंखा तो आपको मैं बोल चुका हूँ, फ़ैन तो आपको मिलेगा ही, ठीक है, इसके साथ आपको जो करना करो उतार के घर ले जाओ, वो ले जाओ, लास्ट में कहीं नहीं लेके जाना, बस बता रहा हूँ अगर आपके मन में आ जाए कि ऐसे करना है तो कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, वो पर आप फंस जाओ फिर आपके डिपेंड करता है, मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता वो, आप क्योंकि फिर आप ये मत बोलना कि मैंने बोला था। ठीक है, तो मैं रूम से बाहर निकल चुका हूँ और जैसे रूम से बाहर निकला ना मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ, यहाँ पे ऊपर से और भी रूम वगैरह है यार, इतने ज़्यादा एक रूम की सेम है, मतलब सेम रूम है वही ऐसा ही रूम आपको देखने को मिलेगा। और अभी यहाँ पे है ना देखिए, यहाँ पे यहाँ से है ना आपको यूनिवर्सिटी का मेन जो मैं बोल रहा था ऊपर से फ्लोर को आपको देखने को मिल जाएगा, आप चेक कीजिए यहाँ पे, ये देखिए आपको सामने देखने को मिल रहा है, यहाँ से ये यहाँ साइड में आपको दोनों तरफ रूम देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे आप घूमने के लिए शाम को कपड़े वगैरह पे सुखाते हैं तो आप कपड़े भी सुखा सकते हो यहाँ पे। उसके साथ में जैसे पीछे आप देख रहे हो यूनिवर्सिटी भी आपको देखने को मिल जाएगी ऊपर से नज़ारा, और ऊपर जाएंगे और भी अलग से आपको नज़ारा देखने को मिल जाएगा यूनिवर्सिटी का, वो आपको कहाँ पर चढ़ के देखना है वो आप पर डिपेंड करता है, ऊपर वैसे टंकी वगैरह लगी हुई है, तो इतना ज़्यादा आपको क्या ही देखना है, मैस के खाना वगैरह दिखा चुका हूँ, इतना ही होता है और इतना ही आपको जो देखना है आपको रियली यही चीज़ होती है जो आपको दिखाता हूँ। आपको मैं दिखाना चाहता था यही चीज़ थी कि एक बार दौरा कराना था आपको हॉस्टल का, तो इस प्रकार से जैसे जाकिर वगैरह साइड वाले हॉल में सेम ऐसा ही रहने वाला है, और अगर आप बोले घूमने के मन में हो तो कभी बता देना, अलग से घुमा दूँगा। अभी यार ना डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, मेरे रूममेट ने बोला कि डिमांड बढ़ा दो और उसके साथ में यहाँ पे दिखाओ यार, बिल्कुल यहाँ पे देखो जो बीच का दिखाओ, तो मैं एक बार बीच का भी आपको दिखा देता हूँ, ऊपर से कैसा नज़ारा होता है वो आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, इस प्रकार से नज़ारा है एक रूम, जब आप बाहर से निकलेंगे या रूम से चेक करेंगे, जैसे मेरे यहाँ से खिड़की चेक करेंगे तो वो देखने को मिलेगा आपको, तो ये नज़ारा है, ओहो ब्राइटनेस यहाँ पे। अगर आपको मैं बताऊँ ना, ये आपको छतरियाँ आपको देखने को मिल रही है, एक ये काम नहीं करते हैं बिल्कुल भी, इतना ध्यान मत दीजिए और ये मत सोचिएगा कि आपको यहाँ पे टीवी देखने को मिलेगा, टीवी है चलता नहीं है, मतलब चलता है पर उसके अंदर कुछ दिखता नहीं है आपको, उसमें रिचार्ज खुद से कीजिएगा और आपको जो देखना है देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ जी, तो मेरी प्यारी फैमिली
आपको मैंने दिखा दिया है हॉस्टल इसी प्रकार से देखने को मिलेगा, इसके अंदर कुछ आपको खास नहीं देखने को मिलेगा। हिस्ट्री अगर आपको पढ़नी है तो गूगल के ऊपर सर्च कीजिएगा जेसी बोस यूनिवर्सिटी, आपको वो भी देखने को मिल जाएगी। क्योंकि मेरे पास में अगर कमेंट करेंगे मुझसे पूछेंगे तो मेरे से इतनी ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं मिलेगी कि यूनिवर्सिटी कब बनी थी, कौन से उसमें था, कौन सा सन था उसके साथ में, सन के साथ साथ में आप ये पूछेंगे कौन सा मौसम था, तो ये सब कुछ आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा, खुद आप जाके चेक कर लीजिएगा। मेरा यहाँ पे मेरे से इतना पूछेंगे तो मैं बताऊँ, मैं भी वही करने वाला यार, गूगल करूँगा, गूगल करके बताऊँगा, इससे बेटर आप खुद ही सर्च कर लीजिएगा, आप जाके खुद सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और क्या बताऊँ आपको, वाली चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अपना सपोर्ट ऐसे बनाए रखिए, देखते रहिए एमएस व्लॉग दुनिया को।